हेलो, सो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 16 रुपए का स्टॉक है, आज भी स्टॉक में गिरावट हुई है, लगातार इस स्टॉक में डाउन ट्रेंडिंग देखने को मिली है। एक हाई लगाया था, 52 वीक हाई लगाया स्टॉक ने, और उसके बाद लगातार यहां पर स्टॉक फिसलता हुआ देखने को मिला है। बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारे मेल्स आए हमारे पास, तो आज की यार ट्राइडेंट में लगातार गिरावट हो रही है, क्या ये गिरावट आरबीआई की वार्निंग की वजह से हो रही है या ये गिरावट यहाँ पर अपर साइड की ओर भागती हुई देखने को मिलेगी, जैसे अब COVID-19 की सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल आ रही है धीरे धीरे करके, और लॉकडाउन भी हटने की समस्या जो थी, एक लॉकडाउन भी हटना स्टार्ट हो चुका है कई प्रदेशों में, तो क्या उसके बाद अब ट्राइडेंट में एक अच्छी रैली बनने की संभावना है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर अब यहां पर बूम करने की कोशिश कर सकता है। चलिए बात करते हैं ट्राइडेंट में गिरावट की और कब तक हमारा स्टॉक ऊपर जाने की संभावना बनती है और क्या बड़ी खबरें हैं बाजार को। अगर आप देखेंगे तो बाजार का मूड बहुत अच्छा रहा है। चलिए शुरू करें, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें ट्राइडेंट की, तो 16 रुपए का स्टॉक है और आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, लगातार गिरावट है। वहीं पर अगर आप बाजार के हाल देखेंगे तो बाजार के जो हालात है वो बहुत ही बेहतरीन इस समय पर है। निफ्टी 50 अगर आप बात करें तो 15,500-600 के आसपास टच किया लगभग और हाई लगाया था ऑलमोस्ट, और उसके निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो अच्छी रैली वहां पर भी और बरकरार रही। सेंसेक्स ने अगर आज देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ रैली यहां पर की है। खबरों पर लेकर चलें तो ये क्लोजिंग बेल है हमारी, निफ्टी एंड हुआ हमारा 15,550 के ऊपर, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया है। यहाँ पर सेंसेक्स में 550 के आसपास का जंप देखने को मिला है। मेटल सेक्टर यहाँ पर दोबारा से आउटशाइन करता हुआ देखने को मिला है, मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली यहाँ पर आई, सेल जैसे स्टॉक्स में और गुड लक इंडिया जैसे स्टॉक में एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, बीएसई मिड कैप में स्मॉल कैप में भी अच्छी यहाँ पर रैली बनी है। पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें, आईटी ऑटो ये सेक्टर थोड़े से दबाव में जरूर रहे हैं हमारे। अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल ज्यादातर सेक्टर्स हमारे अच्छी रैली में देखने को मिले थे। अब देखेंगे जो छोटे बैंक से वहां पर जरूर गिरावट हुई है। ओवरऑल बाजार के हालात ठीक है, बट फिर भी ट्राइडेंट जो बाजार की रैली है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को नहीं मिलता है। रीजन बहुत सारे हैं उसके पीछे, रीजन की बात करें अगर हम, तो आज का अगर हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट हमें बहुत नॉर्मल चार्ट इसका देखने को मिलता है। ट्राइडेंट में लगातार गिरावट है, लगातार एक नॉर्मैलिटी है, एक न्यूट्रल जोन यहाँ पर बन रहा है, न्यूट्रलिटी बरकरार है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतनी सी है कि जब भी स्टॉक कोई 52 वीक हाई लगाता है अपना, तो 19 रुपए का हाई लगाया स्टॉक ने, और उसके बाद स्टॉक में कई बड़ी खबरें आई हैं। 17 मई को उसका रिजल्ट आया Q4 का, जो कि काफी एक्सपेक्टेड रहा है और बिलो एक्सपेक्टेशन मैं कहूंगा, यहाँ पर बिलो एक्सपेक्टेड रहा है, और वही वो एक रीजन रहा है कि यहाँ पर लगातार स्टॉक जो है वो न्यूट्रलिटी में गया है। ये अच्छा है कि यहाँ पर गिरावट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 19 रुपीज पर बाइंग कर रखी है, 18 रुपए पर बाइंग कर रखी है, आई नो यू आर इन लॉस, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट अनलोडिंग द स्टॉक। रीजन बीइंग कि यहाँ पर Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे आए, इससे ज्यादा खराब रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पर थी। जनवरी से मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर बहुत दबाव में था, उसके बाद अब लॉकडाउन लग गया है, तो Q1 का भी रिजल्ट आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चले, और ये बड़ा कारण बन रहा है क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर से ट्राइडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पिछला क्वार्टर भी हमारा गया जनवरी से मार्च का, उसका रिजल्ट आया, अब इसका असर रहेगा, और अब आप ये क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्च अप्रैल मई और जून ये क्वार्टर भी हमारा कहीं ना कहीं इसी में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अप्रैल में लगाया हुआ लॉकडाउन, मार्केट मई खत्म हो चुका है, एक जून बचा हुआ है हमारे सामने, जून में भी ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉकडाउन के दौरान ही रहेगा, तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा दबाव में और ज्यादा बनेगा हमारा, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दबाव देखने को मिलता है, चाहे टेक्सटाइल हो चाहे एयरलाइंस हो, यहाँ स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव रहा है आज के दिन में, और वही एक बड़ा कारण है। अब देखो गिरावट के रीजन तो है हमारे सामने, बट क्या करें, हम रुके यहाँ पर स्टॉक में ये बेच करके निकल जाए, तो देखो ट्राइडेंट में ऐसा स्टॉक है कि यार अगर यहाँ पर आज दबाव में है उसका मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते बाद भी ये दबाव में रहेगा। बिल्कुल स्टॉक के जो टेक्निकल्स हैं वो बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप मैकडी की बात करेंगे तो मैकडी हमारा बेरिश मोमेंटम है, और अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो हिस्टोग्राम भी नेगेटिवली बन रहे हैं, यानी कि नेगेटिव साइड है, तो गिरावट तो होगी स्टॉक में, यानी कि इस रेंज में हमारा कहीं ना कहीं 15 रुपए से लेकर 17 रुपए 15 पैसे के बीच में स्टॉक हमारा ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, इसी रेंज के बीच में, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ट्राइडेंट में ना अभी गिरावट भले है बट ये वेट नहीं करेगा कि लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद सेल्स बढ़े और तब मैं बढ़ूंगा। ट्राइडेंट एक ऐसा स्टॉक है कि इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जितना ज्यादा रहता है इस स्टॉक में, लगातार एक हफ्ता भी अगर आप वेट करते हैं तो ये स्टॉक आपको एक अच्छी रैली में देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो वो उस रैली का आपको वेट करना है। अगर आपने 18 रुपए पे बाइंग कर रखी है, 17 रुपए पे बाइंग कर रखी है और आप लॉस में हो, ह्यूज लॉस में, क्योंकि यहाँ पर आपने वॉल्यूम बहुत तगड़ा बाय किया होगा, छोटा स्टॉक 17 रुपए 18 रुपए का स्टॉक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बाय कर लेते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर अगर आपने बाय किया, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पर स्टे करना एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि ट्राइडेंट में इस समय पर गिरावट भले है बट आपको निराश नहीं करेगा ये स्टॉक। बात करते हैं इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो देखो यहाँ पर खरीदारी अभी भी स्टॉक में हो रही है। 24 मई को 42% की डिलीवरी थी, 48% उसके बाद 38% वॉल्यूम बढ़ा था और 57% वॉल्यूम कम हुआ हमारा। 28 मई को 65% वॉल्यूम कम हुआ, बट जो डिलीवरी का वॉल्यूम है, मतलब जो डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है हमारे सामने, जो नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, वो बहुत बेहतरीन आ रहा है। 68 लाख शेयर्स कल भी बाय किए गए फॉर लॉन्ग टर्म, उससे पहले 71 लाख शेयर्स, उससे पहले 19.4 मिलियन, लगभग 1,94,00,000 शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं। तो लगातार स्टॉक में खरीदारी है और ये खरीदारी एक्युमुलेशन की ओर इशारा कर रही है, यानी कि स्टॉक को एक्युमुलेट किया जा रहा है। तो अगर एक्युमुलेशन चल रहा है यहाँ पर, तो श्योरली एक अच्छी रैली इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में आते ही आपको देखने को मिलेगी। तो लॉस में तो बेचने का जो सवाल है ना, वो तो मत करो, कम से कम लॉस में बेच के निकलोगे तो फायदा आपको नहीं होगा। लॉस में बेचोगे इस समय पर, बहुत ज्यादा जो स्टॉक मार्केट है हमारा वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है, और ये मेरे शब्द नहीं है, आरबीआई के हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है, जो अच्छे स्टॉक है इस समय पर, वो काफी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो वहां पर भी आप पैसा लगा करके, ऐसा नहीं है कि आप महीने में 2 महीने में अपना जो लॉस है इसका वो रिकवर कर लोगे और प्रॉफिट भी बना लोगे। तो इससे अच्छा यही है कि अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चुन लिया है और वो ट्राइडेंट है, तो वहां पर रुकने की सलाह मेरी आपको रहेगी और वेट करो, ट्राइडेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न ला करके देगा। इसी में थोड़ा लॉस है, वेट करने की सलाह मेरी आपको रहेगी। बाजार की बात करें, तो बाजार के हालात बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे तो बाजार की ये खबर बहुत अच्छी थी, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो COVID-19 की वजह से गिरावट हुई थी, और COVID-19 केसेस में अब लगातार एक डाउन ट्रेंडिंग देखने को मिलती है। 2 लाख से कम केसेस आना स्टार्ट हो चुके हैं पर डे में 24 घंटे में, और ये एक अच्छा साइन है। इस तरह से अगर होता रहता है, जैसे दिल्ली ने अब अनलॉक 1 फर्स्ट अपना अनाउंस कर दिया है, तो उसी तरह से और भी प्रदेश अगर करते हैं, तो वहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही नहीं, बाकी और भी सेक्टर्स के लिए जो दबाव में आए थे इस लॉकडाउन की वजह से, उनमें एक अच्छी रैली बनेगी और वो एक अच्छा मोमेंटम होगा। उस समय पर अगर आप लॉस में भी बेचते हो थोड़ा बहुत, तो आपके सामने बहुत सारे और भी स्टॉक्स रहेंगे, जैसे होटल और हॉस्पिटैलिटी के, इंफ्रा के, रियलिटी के, जहां भी दबाव है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे फिर, है ना। जैसे VIP इंडिया हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो है वो थोड़े से भी आपको अंडर वैल्यू मिल रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा बना सकते हो आफ्टर लॉकडाउन। अभी बने रहो, ट्राइडेंट एक अच्छा स्टॉक है, इसमें आपको पैसा बनेगा। आरबीआई की इस वार्निंग के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना, आरबीआई ने बोला कि मार्केट हमारा बबल में है और ये क्रैश कर सकता है, 6 महीने 6 साल वो उनकी बात है, बट थोड़ा सा खबर को पढ़ लेना ताकि आपको पता रहे और आप अवेयर रहे इस बारे में। बाकी मार्केट बहुत बढ़िया चला है आज के दिन में, और खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है DII की तरफ से भी और FII की तरफ से भी। 1275 करोड़ का माल यहाँ पर उठाया गया था DII की तरफ से, और FII की तरफ से 913 करोड़ का माल उठाया गया था बीते दिन यानी फ्राइडे को, 28 मई को। अच्छी खरीदारी यहाँ पर है, पूरा हफ्ता हमारा अच्छी खरीदारी में गया है और आगे भी ये खरीदारी जारी रहेगी हम उम्मीद करते हैं। आज भी जो जिस तरह का बाजार रहा है, काफी अच्छा बाजार चला है, आगे भी इस तरह की खरीदारी जारी रह सकती है। नीचे की साइड 15 रुपए का आपको सपोर्ट लेना है, बने रहने की सलाह है मेरी। 17 रुपए 15 पैसे का पहला रजिस्टर, पहला टारगेट है हमारा, बने रहिए, अच्छा पैसा आपका इस स्टॉक से बनेगा। लॉस में बेचने की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल आपको होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, पूछना होता।